Hello everyone, welcome back to my channel Vidhi Style Corner. Today I am going to show you simple DIY string light. So let's get started. सबसे पहले हमें लेना है एक प्लास्टिक नेट एंड पीस ऑफ पेपर. यहाँ पे मैंने पेपर को हाफ सर्कल में कट कर लिया है. अभी पेपर को नेट पे रख के हमें सभी हाफ सर्कल कट कर लेने हैं. इस तरह की नेट आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में इजीली मिल जाएगी. सेम पैटर्न में लेते हुए हमें सभी हाफ सर्कल को रेडी कर लेना है. प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. इस तरह का DIY आप लास्ट मिनट में भी बना सकते हो. अभी हमें लेना है कोई भी ओल्ड LED स्ट्रिंग लाइट. यहाँ पे मैंने सभी पीसेस रेडी कर लिए हैं. यहाँ पे हमें लगेगी हॉट ग्लू गन या फिर आप स्टेपलर भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी. यहाँ पे मैंने लाइट को नेट के अंदर रख के हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है. इस तरह का DIY बना के आप ओल्ड बोरिंग लाइटिंग को न्यू लाइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो विद द लो बजट. सेम इसी तरह हमें सभी लाइट्स रेडी करनी होगी. इस तरह का DIY बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है. यहाँ पे आप नेट को अलग अलग शेप में भी कट करके ट्राई कर सकते हो. अगर आपने ये DIY ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दिवाली डेकोरेशन आइडिया. हॉट ग्लू गन को आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा. तो रेडी है हमारी लास्ट मिनट DIY स्ट्रिंग लाइट. अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो.